जेई मेन को नोएडा के 30 छात्रों ने 99.95 के साथ क्लियर किया है, वहीं भव्य तिवारी ने 99.99% के साथ इसको यूपी टॉप किया है। परसेंटाइल मेरी 97.94 रही है। जेई मेन्स का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और पढ़ाई की बात करूं तो मैंने लगभग रोज पढ़ाई को 8 से 10 घंटे दिए थे इक्वली सब्जेक्ट वाइज, मतलब दो तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को बराबर टाइम दिया था और मेनली पीवाईक्यूज पे फोकस किया था। कब से तैयारी कर रहे थे आप? 11th के स्टार्टिंग से ही मैंने तैयारी की है। क्या सपना है आपका? अभी मेरा सपना, मेरा फोकस है कि मैं आईआईटी में अपने मतलब जगह बनाऊं और जेईई एडवांस की तरफ तैयारी कर रही हूं। कॉलेज का अगर बात करें तो क्या लगता है कि कहां आपको मिलेगी? कॉलेज तो ऐसे तो आईआईटी बॉम्बे, हाँ कोई दिमाग में लगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी काफी मतलब शुरू से पसंद है। और बच्चों को ट्वेल्थ के पेपर आने वाले हैं, क्या चाहिए? ज्यादातर ये है कि पेपर का पैटर्न पता हो तो ज्यादा हेल्प मिलती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। कितनी खुशी हुई आपको पहली बार में? अच्छा लगा रिजल्ट देख के, बट ये था कि 99% आती तो मतलब एक्सपेक्ट थोड़ा ज्यादा किया था तो उस हिसाब से, बट ठीक है, अभी सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस है। लगा तो मतलब लगेगा तो अच्छा ही अगर ऐसा कुछ हो तो, लेकिन मतलब पढ़ाई को गिनने से नहीं होता, मतलब आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है जितना मतलब आप कैसे ध्यान से पढ़ रहे हैं। और इसको मतलब नंबर्स में आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जितना पढ़ा जाता था उतना तो पढ़ता ही था। मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप और इसको सिर्फ किसको देना चाहिए? इतना आप नंबर मतलब आप 8-9 घंटा लगा लीजिए अगर आपको नंबर वंबर चाहिए, लेकिन श्रेय तो सबको ही जाता है, मतलब पेरेंट्स को जाता है। नाइन्थ क्लास से शुरू किया था, मतलब कोचिंग वगैरह जो प्रॉपर होता है 11th क्लास से किया था। सी एस में इंजीनियरिंग करनी है, मतलब अच्छा IIT से जैसे दिल्ली बॉम्बे हो गया। पढ़ाई को बोझ की तरह ना लें, अपना जो मनपसंद सब्जेक्ट है उसको पूरे ध्यान से पढ़े और मतलब बर्बादी वगैरह ना करें कि आपको बाद में अफसोस हो। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब हमें अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी जितनी मेहनत करते थे उसका फल इनको मिल गया। और बस यही करते हैं आगे में भी बहुत अच्छा करें, भगवान करें। मैम और आगे बच्चे किस तरह तैयारी करें, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, आप बताइए जरा, अपने बच्चों को अपने दिया सिखा दी। तो ऐसे तो ज्यादा वो नहीं है, बस डेडिकेटेड रहें और फोकस रहें। आप अपना जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो पहले से बना के रखें कि मुझे ये अचीव करना है और उस पर अपना कहीं पे डाइवर्ट नहीं हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खींचती हैं कि आपका माइंड नेगेटिव वगैरह, वो सब आप अवॉइड करें और अपना फोकस बनाए रखें तो कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हैं।